चलिए स्टार्ट करते हैं हर्षित। बाकी लोग जिनको कनेक्ट होना होगा वो होते रहेंगे। विभूति मुझे दिखाई दे रही है अब। एनीवेज हर्षित स्टार्ट करते हैं। यस सर। ठीक है, अब देखो लास्ट टाइम मैंने आपको सर्कुलर मोशन और SHM के कॉन्सेप्ट को रिलेट करके आपको बताया था, और मैंने आपसे ये बोला था कि सर्कुलर मोशन बेसिकली कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में है तो इट वुड बी अ पीरियोडिक मोशन, बट उसका अगर हम प्रोजेक्शन ले लें आइदर ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस, तो द प्रोजेक्शन ऑफ दैट पार्टिकल टेकन आइदर ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एग्जीक्यूट्स SHM। और यही नहीं, मैंने ये भी शो कर दिया था कि इट एग्जीक्यूट्स SHM अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। अब मैं उसको जल्दी से अप्लाई करना सिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम डायनेमिक्स पार्ट ऑफ SHM पे आएंगे। तो उसको अप्लाई करना सीखो। देखो बेटे, मान लो कि मैं आपसे ये कहूँ कि अगर मान लो कि मैं आपसे ये कहता हूं कि कोई पार्टिकल है, ये मान लीजिए क्वेश्चन के फॉर्म में देखिए, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि कोई एक पार्टिकल है y इज इक्वल टू a साइन, उसके लिए हमने लिखा हुआ है ओमेगा t प्लस ऑफ पाई बाई थ्री। मुझे पहले इतना बताइए कि इसका इनिशियल फेज जीरो है या नॉन जीरो है? नॉन जीरो। नॉन जीरो ऑब्वियस ही बात है, बिकॉज पाई बाई थ्री लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इनिशियल फेज नॉन जीरो है ना। अगर इसको मैं सर्कल पे रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे करूंगा? अगर ये मैं पूरी चीज को सर्कल से रिप्रेजेंट करता, जो सर्कल हम लोगों ने बनाया था, तो सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, हमेशा जो मैं इमेजिन करने को कहूंगा वही मानना है आपको। मान लेना है कि भाई यहां पर t इक्वल टू जीरो पे, यहां पर पार्टिकल यहां से स्टार्ट करेगा और इट विल स्टार्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। सर्कल पे इसी बात को आप रिप्रेजेंट करने के लिए क्या मान लेंगे कि इट दिस पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर टॉप मोस्ट पॉइंट से और कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो इसका जो प्रोजेक्शन मैक्सिमम आ सकता है, या आप नीचे वाली लाइनें नहीं भी बनाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेंटर से हम सारे डिस्टेंस को मेजर करेंगे, प्रोजेक्शन के सारे डिस्टेंस को, ये प्लस ए या माइनस है, मुझे बताइए। यहां तक क्लियर है डायग्राम? यस सर, डायग्राम यहां तक क्लियर है। अब मुझे एक बात बताइए, टी जीरो पर जहां पर पार्टिकल है, टी जीरो पर क्या पार्टिकल टाइम की वैल्यू अगर मैं जीरो कर दूं तो पार्टिकल क्या यहां से स्टार्ट हो रहा है या टी जीरो पर पार्टिकल कहीं और रहा होगा? एक बात ऐसे समझो, मैं आपसे कहता हूं ये मीन पोजीशन है और यहां पर एक्स की वैल्यू जीरो है, तो टी जीरो पर पार्टिकल मीन पोजीशन पे है या कहीं और है बेटे? मीन नहीं, मतलब कहीं भी हो सकता है पार्टिकल, तो ठीक है। इनिशियल फेज पाई बाई थ्री है ना? ओके यस सर, यस। तो t0 पे पार्टिकल जीरो पे तो नहीं होगा, कहीं होगा, तो जहां होगा मान लेते हैं यहां है वो पार्टिकल t0 पर, तो यही जो एंगल है ना उसका, यही इस सर्कल में इसी एंगल को हम इनिशियल फेज कहेंगे एंड इट विल बी इक्वल टू पाई बाय थ्री। वो कहां पर होगा वो सब मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले समझे इनिशियल फेज किसको माना जाता है। इसके रिस्पेक्ट में जहां पर पार्टिकल है ना, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज इनिशियल फेज। इसके रेस्पेक्ट में जहां पर पार्टिकल है उसका एंगल विल बी कंसीडर्ड एज इनिशियल फेज। क्लियर? यस सर। दूसरी बात, एक बात और समझें आप, अगर आपको याद हो पुरानी बात, मतलब लास्ट क्लास जब भी हुई थी हमारी, उस लास्ट क्लास की अगर आपको यह बात याद हो, ये प्लस है या माइनस है, तो इस वाले में आपका जो प्रोजेक्शन था वो इधर जा रहा होता था, तो इस वाले में अगर आप प्रोजेक्शन, ये ओरिजिन जीरो जीरो, तो अगर यहां पर प्रोजेक्शन का आप डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो वो भी पॉजिटिव, मतलब एक्स भी पॉजिटिव, अब प्रोजेक्शन की वेलोसिटी भी पॉजिटिव। इस वाले में आएंगे आप तो प्रोजेक्शन ऐसा जाता हुआ दिखाई देगा, इसका मतलब है कि एक्स विल बी नेगेटिव और वेलोसिटी भी इसमें नेगेटिव है। देखो सॉरी, एक्स इज पॉजिटिव और वेलोसिटी नेगेटिव, करेक्ट है? पहले बताइए ये समझ में आ रहा हो तो। yes, अगर प्रोजेक्शन यहां ले लें तो प्रोजेक्शन इस वाले पार्ट में ऐसे जाता है, तो ये वेलोसिटी कैसी है? वेलोसिटी अभी भी नेगेटिव और एक्स भी नेगेटिव हो गया। इस वाले पार्ट में प्रोजेक्शन कैसे जाता है? तो इस वाले पार्ट में प्रोजेक्शन ऐसे जाता है, तो यहां पर वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। और एक्स भी कैसा हो गया? एक्स नेगेटिव ही रहा। ये बात याद रह पाएगी? यस सर। यस ठीक है। अब मैं जैसे आपसे कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछ लू,
मैंने क्वेश्चन पूछ लिया एट टी इक्वल टू जीरो पार्टिकल इज एट x is equal to a by 2. Find its initial phase. अगर t zero पे पार्टिकल a by 2 पे है तो इसका इनिशियल फेज क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? Yes sir. भाई इनिशियल फेज जीरो तो नहीं होगा, बिकॉज t zero पे पार्टिकल जीरो पर नहीं है, तो इनिशियल फेज जीरो तो नहीं होगा. तो इसके इनिशियल फेज को निकालने का दो तरीका, या तो आप इक्वेशन से निकाल लें. इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप, देखिए मैं बताता हूं. हमें मालूम है x इज इक्वल टू, अच्छा हर्षद देख लेता हूं, x इज इक्वल टू बेटे मेरे मुझे मालूम है ओमेगा t प्लस ऑफ फाइव, यही तो लिखते थे आप. यहां पर फाइव जीरो नहीं है बिकॉज t जीरो पे पार्टिकल जीरो पे नहीं है. तो एक कहां पर है पार्टिकल? a बाई टू पर है. a बाई टू a साइन कब? जब टाइम की वैल्यू जीरो है, मतलब ओमेगा इंटू जीरो प्लस फाइव. तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ऑफ फाइव इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2. और साइन ऑफ फाइव 1/2 इसका मतलब पाई की वैल्यू कितनी हो गई? पाई बाई थ्री, मतलब सिक्स, पाई बाई थ्री नहीं सॉरी, पाई बाई सिक्स, मतलब 30 डिग्री. ये बात क्लियर हो गई? यस yes. इसी चीज को अगर मैं सर्कल पे दिखाता, सर्कल से अगर मैं कैलकुलेट करता, दूसरा मेथड इस वाले सर्कल से हम शो कर सकते हैं. कैसे? देखो मुझे पता है कि सर ये प्लस ए है, ये माइनस ए है. ठीक है, पार्टिकल जहां पर है कहीं तो है, पार्टिकल कहीं यहां पर है, यही इसका इनिशियल फेज है जो मुझे निकालना है. जहां पर है तो पार्टिकल एसएचएम करता है या उसका प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन इसका मतलब है प्रोजेक्शन की जो ये दूरी होनी चाहिए वो ए बाई टू होनी चाहिए और ये वाली ए होनी चाहिए, बिकॉज रेडियस को ही हम एम्पलीट्यूड मानते हैं. बोलो हाँ कि ना? यस सर. यस यस. ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल सबको आना चाहिए. जानवी विभूति प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ए ए बाई टू, ये एंगल में निकाल सकता हूं? यस सर. ये एंगल में निकालूं तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बाई टू. ए से ए कैंसिल हो गया तो cos थीटा की वैल्यू 1/2. cos थीटा की वैल्यू 1/2, इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू कितनी हुई भाई? तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, मानते हो? यस सर. अच्छा, अगर ये वाला एंगल 60 है, ये 60 है, ये 60 है, तो ये कितना है? ये 30 हो जाएगा. यही आंसर है देखो. जी सर. नहीं समझे तुम? ऐसे समझ में. नोट करिए, एक बार और पूछ लेता हूं आपसे. हो गया? यस सर. ठीक है, एक बार और पूछता हूं. ध्यान देना, मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान भी देना पड़ेगा आपको. मैं फिर से यही कह रहा हूं, एट टी इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू, बट पार्टिकल्स वेलोसिटी इज नेगेटिव. और मैं सर्कल से ही सॉल्व करूंगा सीधा. मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये सर्कल बना दूं, अगर मैं ये सर्कल बना दूं, ये प्लस ए ये माइनस ए, ऐसा मैंने दिखा दिया अपने समझने के लिए. मुझे एक बात बताइए, इस केस में पार्टिकल को आप किस क्वाड्रेंट में मानेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? क्योंकि पार्टिकल इसमें देखिए, पार्टिकल्स वेलोसिटी इज निगेटिव, मतलब पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे हम चल रहे हैं तो सर्कुलर पाथ में पार्टिकल का मतलब हो गया प्रोजेक्शन, जो ऑसिलेट करता है, जो ऑसिलेट करता है, मतलब जिसका एस एच एम हम कंसिडर करेंगे सर्कल में, वो कौन है? पार्टिकल है या उसका प्रोजेक्शन है? प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन इसका मतलब प्रोजेक्शन की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव? प्रोजेक्शन की वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव? नेगेटिव. नेगेटिव. सक्षम अभी बताया था, बाकी लोगों ने पता नहीं लिखा नहीं लिखा, मैंने अभी बताया था कि अगर ये ऐसा सर्कल बना लो तो इस क्वाड्रेंट में वेलोसिटी पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में वेलोसिटी नेगेटिव, बताया था अभी, याद करो. यस सर. यस सर.
इसका मतलब इस केस में अगर मुझसे कोई पूछ रहा है कि भाई पार्टिकल किस क्वाड्रेंट में, तो मैं कहूंगा कि भाई पार्टिकल फोर्थ क्वाड्रेंट में है। किस में है? इस क्वाड्रेंट में कहीं पर होगा, और जहां पर होगा वहां पर उसका जो प्रोजेक्शन है वो a बाई टू की दूरी पर है। तो इसमें फेज पूछा गया है, मैंने बोला फेज हमेशा इस वाली लाइन से एंगल मेजर होगा, इसका मतलब ये पूरा एंगल ये फेज कहलाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक और नॉट, टेल मी यस और नो? यस सर। अब ये पूरा एंगल कैसे निकालूं सर? तो ये a बाई टू है, ये a है, ये एंगल थीटा है, तो फिर से वही ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट। ये a क्यों है? क्योंकि ये रेडियस है। ये a बाई टू क्यों है? क्योंकि प्रोजेक्शन जहां पर है वो दूरी a बाई टू होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये एंगल मुझे निकालना है थीटा, फिर से कॉस थीटा लगाऊंगा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब a बाई टू डिवाइडेड बाई a, a ने a को मार दिया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? तो थीटा की वैल्यू फिर से 60 आई, यानी यहाँ की ना, तो थीटा इक्वल टू 60। तो फेज की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 150। तुम्हारे सन्नाटे हो गए भाई। नहीं सर, समझ में आ गया। फेज हमेशा वाई के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज आप एंगल मेजर करेंगे। नोट करिए, एक बार और पूछता हूं। सर फेज 90 डिग्री नहीं होगा सिर्फ? नहीं बेटा, फेज का मतलब है टी जीरो पर जहां पर पार्टिकल है, ठीक है, वो पॉइंट कितना एंगल बना रहा है इस लाइन के साथ। ओके, नहीं समझ गया, समझ गया। लास्ट वाला एंगल आपको हमेशा कहां से मेजर करना है? तो मैं बार बार कह रहा हूँ, वर्टिकल वाली लाइन से क्लॉकवाइज में मेजर करना, वही फेज कहलाएगा आपका। समझ गया सर। नोट कर लिया हो तो एक बार और पूछ लेता हूं। यस, वो सिंपल वाले मेथड, मतलब जो नॉर्मल सिंपल वाले मेथड में तुम गलती कर रहे होगे। मैं बताता हूं क्यों गलती कर रहे होगे, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा ज्यादा मैथमेटिक्स हो जाएगी, इसीलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा था अभी तक, मगर तुमने टोक दिया तो बताना पड़ेगा। ऑल्दो हो सकता है बाकी बच्चे नहीं समझे, तो तुम समझने की कोशिश करना क्योंकि तुमने पूछा है भाई। देखिए एक बात समझिए कि एक्स इज इक्वल टू, बाकी बेटा जानवी विभूति No need to take tension for this, क्योंकि इसने बोला इसलिए मैं इस मेथड से कर रहा हूँ, बट वरना तो वो मेथड आप अप्लाई करके आसानी से आंसर लिख दीजिएगा। x is equal, हाँ बोलो, x is equal to a sin omega t, x की वैल्यू कितनी है? a by 2 है, बट वेलोसिटी याद रहे नेगेटिव है, तो आप लिखेंगे a sin of omega t plus pi by 2, बिल्कुल सही। खाना बोल। Yes sir। इसे pi by 2 क्यों लिख दिया? मतलब 5। तो t की वैल्यू जीरो रख दिया, a ने a को मार दिया, तो साइन फाइव की वैल्यू कितनी आई? या या 1 by 2, तो फाइव की वैल्यू कितनी आई? 30 डिग्री। हाँ ना बोलो। यस सर। अब तुम सोचो, पहले तो लॉजिकली समझो, यही आंसर तो पहले भी आया था, जब वेलोसिटी पार्टिकल की मैंने पॉजिटिव लिया था तब भी a by 2 था सर, वेलोसिटी निगेटिव कर दिया तब भी a by 2, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्या? पहले लॉजिकली सोचो भाई, पार्टिकल अगर वेलोसिटी पॉजिटिव थी इसका मतलब इधर जा रहा था तब भी वो a by 2 पे पहुंचेगा, पार्टिकल ऐसा घूम के लौटेगा तब भी a by 2 पे आएगा, तो दोनों बातें एक ही हैं या फर्क है दोनों में? फर्क है। ये जब इधर जा रहा था तो वेलोसिटी पॉजिटिव थी, और ये जब इधर आ रहा है तो वेलोसिटी निगेटिव है सर। yes. तो इसका मतलब आपको सिर्फ यही नहीं जस्टिफाई करना है पोजिशन, आपको वेलोसिटी को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। और वेलोसिटी, आप वेलोसिटी के लिए इक्वेशन क्या लिखते हो? तो वेलोसिटी याद करो, ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव लिखते हो। यस सर। अब वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। नेगेटिव है, तो अगर मैं ये रिजल्ट पाई बाई सिक्स लेता हूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है या निगेटिव? पॉजिटिव। इसका मतलब तो तुम्हारे हिसाब से वेलोसिटी पॉजिटिव, जबकि क्वेश्चन ने बोला है कि तुम्हें वेलोसिटी निगेटिव लेनी है। उड़ गए भाई, उड़ गए। नहीं सर, आगे सवाल। आई बात समझ में? इसका मतलब है कि आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है बट कॉस भी पॉजिटिव हो गया ना, तो आंसर किस क्वाड्रेंट में हो सकता है? सेकेंड में। क्यों सेकेंड में हो सकता है? क्योंकि साइन पॉजिटिव, और साइन क्यों पॉजिटिव? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव माना गया है, तो साइन तो पॉजिटिव ही होगा, कॉस नेगेटिव हो जाएगा। आई बात समझ? बट कॉस निगेटिव होगा, तो आंसर पाई बाई सिक्स होगा या
पाई बाई टू प्लस पाई बाई सिक्स होगा, पाई बाई टू प्लस पाई बाई सिक्स। अब समझ में आया? यस सर। अभी इतनी, हाँ बोलो। ऐसी लॉजिकली कर सकते ना, ऐसे डायरेक्टली कोई डायरेक्टली आंसर नहीं आ सकता ना 150 डिग्री। डायरेक्टली मतलब सर, मतलब फॉर्मूला पुट करके हमें डायरेक्टली 150 मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा ना, हमें लॉजिक। नहीं, मिल तो रहा है डायरेक्टली ही, बट इस बात को समझना पड़ेगा कि आंसर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। समझ गया। अब यहाँ पर 100% बच्चा गलती करेगा, ठीक है, बच्चे के दिमाग में हो सकता है बात, मतलब नहीं समझ में आए भाई, हमें पढ़ाते हुए आदत हो गई है तो हमें पता है, जो पहली बार पढ़ रहा है उसको हो सकता है ये गलती हो जाएगी सर, वो पाई बाई टू लिख के आ जाए, कहेंगे मास्टर हमने तो सही करा था, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान देना है कि वेलोसिटी को भी जस्टिफाई करना है सर, समझे। इसीलिए मैंने आपको सर्कल वाला मेथड समझाया है, और एनसीईआरटी में अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सर्कल वाले मेथड पे बहुत क्वेश्चंस पीछे दिए हुए हैं, समझ रहे हैं। ये आपको आसान पड़ता है, चाहे कुछ भी मैं कर दूं। देखो जैसे मैं आपको एक बार और केस पूछता हूं, मैं आपसे कहूं लिख नहीं रहा हूं वर्ड्स में, मैं नहीं लिख रहा इसको, एक बार और ऐसे ही पूछ लेता हूं जस्ट टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर मैं आपसे कहूं कि सर यही कुपच 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 कुपच, मैं आपसे कहूं कि टी जीरो पे पार्टिकल यहां पर है, यहां कहीं पर है, और पार्टिकल जहां पर है उसका ये ए बाई टू, फिर से ए बाई टू ले लेता हूं आसानी के लिए। अब मुझे बताओ इस टी जीरो पर पार्टिकल का इनिशियल फेज जीरो है या नॉन जीरो है? नॉन जीरो है। ये अगर आप इनिशियल फेज देखें सक्षम भाई, तो इनिशियल फेज का मतलब ये पूरा एंगल होगा या नहीं होगा? हाँ ना बोलो। यस सर। यहां से यहां तक का एंगल 180 प्लस ये वाला एंगल ऐड करोगे तो आपको इनिशियल फेज मिलेगा, ठीक है। अब आप कैसे निकालेंगे? तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा जो डेटा मैं कंसीडर कर रहा हूं उसके हिसाब से, अरे जो अभी बार बार कर रहा हूं तो उसके हिसाब से ये वाला एंगल 60 हुआ ना, ये वाला। तो ये वाला बचा हुआ एंगल 30 हुआ या नहीं हुआ, क्या हो गया? तो फेज की वैल्यू क्या होगी? 30 प्लस 180, 210, समझे, मतलब 210 ये फेस की वैल्यू ही। कुछ हजम हुआ क्या? इसमें कोई चक्कर आपको सोचने की जरूरत पड़ी कि पॉजिटिव पे कि नेगेटिव पे, वेलोसिटी नेगेटिव के पॉजिटिव, ऐसा कुछ सोचना पड़ा, या आपको ये सोचना पड़ा कि कॉस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कोई दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता? नो सर। इसलिए आसान है, एक बार ऐसे ही देख लो तुम्हें कितना समझ में, एक बार पूछ लेता हूँ बस ऐसे ही डेटा दे के। मैंने आपसे बोला कि साहब क्वेश्चन में कि एक्स इज इक्वल टू ए बाई फोर है मान लीजिए, ठीक है, और a बाई फोर जो है वो मान लीजिए निगेटिव a बाई फोर है, और मैंने आपसे बोल दिया कि सर वेलोसिटी जो है वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अब आपको बताना है कि इनिशियल फेज कितना होगा, बता सकते हैं? सोचिए एक बार खुद से सोचिए ताकि आपको क्लैरिटी आए। सर इसकी तो मतलब ऐसी कोई वैल्यूज नहीं आ रही है, ये जो भी होगा 270 प्लस होगा। तो कुछ भी हो आपको ये समझ में, पहले तो मुझे ये बताइए पार्टिकल किस क्वाड्रेंट में है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे पता चला आपको? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है बट वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव, तो ये कब होता है? जब पार्टिकल सेकंड क्वाड्रेंट में हो। क्या हुआ सक्षम, तुमसे भी नहीं हुआ? ये प्लस ए ये माइनस ए। पार्टिकल जब इस क्वाड्रेंट में होगा तो इसकी वेलोसिटी, देखो पार्टिकल इधर है तो इसका ये जो हम वो लेते हैं ना प्रोजेक्शन वो ये है, तो ये पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा होगा तो ये ऐसे ही जा रहा होगा ना, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, ये जहां पर है वहां पर एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ ए बाई फोर है, राइट? यस सर। ये है, ये वाला एंगल कुछ थीटा होगा, और फेज कहां से मेजर करोगे? इस वाले पॉइंट से। कैसे? क्लॉक वाइज, मतलब यहां से यहां तक जो होगा दिस विल बी कॉल्ड एज फेज। नहीं आया सर, आया। तो इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखो तो ये थीटा, ये ए, सर ये ए बाई फोर, तो कॉस रिकॉर्ड, अच्छा इसकी अच्छी वैल्यू नहीं आ रही है ना, तो वही आ रहा था। ओके, तो अच्छी वैल्यू लाने के लिए क्या करें? टू कर लीजिए सर। टू कर करके थक गए हैं, तो एक काम करते हैं रूट टू कर लेते हैं, अब अच्छी वैल्यू आएगी, रूट टू कर लेते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? बेस a बाई रूट टू अपॉन रूट टू, तो क्या थीटा की वैल्यू 45 आ गई मेरे बच्चों? यस सर। तो फेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। फेज इज इक्वल टू
ये वाला एंगल तो होगा ही प्लस ये वाला एंगल होगा ना, ये वाला प्लस 45 नहीं पूरा तीन, ये यहां से यहां तक पूरा मतलब 270 प्लस 45 यस सर समझे यस सर। चलो अब आगे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखो एनर्जी इन एसएचएम। ये तो बेसिक हमने इक्वेशन समझ लिया कि x is equal to a sin omega t, और मैंने बताया कि आपको ये रटने की कोई जरूरत नहीं है कि सर cos कब sin कब, तुम्हें तो मैंने यही बताया कि sin ही रटो, अगर इनिशियल फेज जीरो होगा तो फाइव की वैल्यू जीरो हो जाएगी, नहीं होगा तो जो भी होगा वो हमें निकालना आता है। तो अब आते हैं सर दूसरी बात पे, दूसरी बात कौन सी बात है सर, हमारी कौन सी बात होनी थी, एनर्जी इन एसएचएम। अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम में है तो एनर्जी इन एसएचएम, दो तरह की एनर्जी हम कंसीडर करेंगे एसएचएम के केस में। अच्छा बेटा मैं पहले ही आपको बता दूं कि जो हम एसएचएम कंसीडर कर रहे हैं अभी जो हम पढ़ रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, इसका मतलब है देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स और देयर इज नो एज सच देयर इज नो अदर डैम्पिंग फोर्स जो मोशन को अपोज कर रहा हो या जिसके अगेंस्ट एनर्जी का लॉस हो रहा हो। ठीक है, वी आर कंसीडरिंग एन आइडियल सिचुएशन इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, राइट। तो इस केस में एनर्जी इन एसएचएम दो तरह के होंगे, एक का नाम है एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन जो कि होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी होगी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी विच विल बी काइनेटिक एनर्जी। भाई बॉडी कहां पर है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो कहां पर है ड्यू टू इट्स पोजीशन उसके पास एक एनर्जी आ गई और उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी बात कि वो वहां पर कितनी वेलोसिटी से चल रही है उसकी वजह से उसमें एक और एनर्जी इन्वॉल्व हो गई जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे इन द केस ऑफ एसएचएम, सीधा आप लिखिएगा हाफ इनटू केएक्स स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम। ठीक है भाई, वेयर एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स मतलब पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे बच्चों ए साइन ओमेगा टी, टेल मी यस और नो। यस सर। इसका मतलब मेरे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यार तुम्हारे तोते उड़ गए भाई। सर हम फेज जीरो के मान रहे हैं। ऐसे ही मेरा मन, फाई लगाने लगा दो। ओके सर। ठीक है, फाई लगाने लगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, रिजल्ट बस यही रहेगा ओमेगा टी के साथ एक फाई ऐड हो जाएगा, बस यही हो जाएगा, आपकी मर्जी है लगाना हो लगाओ। क्लियर? यस। ठीक है, क्योंकि हमें ऑलरेडी फाई का कॉन्सेप्ट तो पता है ना। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे, काइनेटिक एनर्जी, अच्छा इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन एक्स के साथ है, एक्स मतलब पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, कहां से, मीन पोजीशन से, और ये जो पोटेंशियल, उसी पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन टाइम के साथ है, क्योंकि देखो एसएचएम में कोई भी क्वांटिटी पोजीशन के साथ भी चेंज होती है और टाइम के साथ भी, नहीं आया? यस सर, यस सर। इसीलिए हमें पोटेंशियल एनर्जी एक्स के साथ भी लिखना आता है अब और टाइम के साथ भी लिखना आता है। अगर मुझे टाइम के साथ वेरिएशन पूछ लेगा तो भी मैं कर सकता हूं, और एक्स के साथ वेरिएशन पूछ ले तो भी मैं कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे कोई कह दे कि भाई व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू, तो मैं लिख पाऊंगा। अगर मुझसे कह दे कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम एट टाइम इज इक्वल टू टी बाई फोर, वेयर टी इज टाइम पीरियड, तो भी लिख पाऊंगा, टी की जगह मैं टी बाई फोर रख दूंगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं, इसके ग्राफ पे भी हम आएंगे, पहले तो सिर्फ फॉर्मूला सुन ले आप। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो सर काइनेटिक एनर्जी का तो जीता जागता सबूत है हाफ एम वी स्क्वायर, है या नहीं है? यस सर। इसको हम और कैसे कैसे लिख सकते हैं वो देखें आप। अगर आपको याद हो तो वेलोसिटी की वैल्यू हम लिखते थे ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, याद करो पढ़ा चुका हूं ये सब। काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा बेटे, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो द वे ऑफ राइटिंग द सेम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। भाई अगर मुझे वी पता है तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख दूंगा, अगर मुझे वी नहीं पता है, मुझे ये बोला गया कि इस पोजीशन पे है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख दूंगा। इनफैक्ट मैं काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर आपको याद हो तो वी की वैल्यू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी होती है, होती है या नहीं? हाँ ना बोल, होती है सर। अभी लिखाया भी था, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, दिस इज इन टर्म्स ऑफ टाइम।
तो दीज आर द रिलेशंस फॉर काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ेंगे. सर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू गिवन होगी. हाँ मैं बताता हूँ, हमें उस पर बेफिक्र रहो, तुम सारी चीजें बताई जाएंगी, डोंट वरी अबाउट इट. डन्स. ठीक है, अब मेरी बात सुनो बेटा, किसी भी एसएचएम में मैं टोटल एनर्जी इन एसएचएम क्या लिख सकता हूँ? ये तो हो गया इंडिविजुअली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. विभूति, विभूति, ए विभूति. अगर किसी एसएचएम में मेरे बेटे मीन पोजीशन है ये और पार्टिकल कहीं यहां पर है, मान लो एक्सट्रीम पे नहीं है, कहीं यहां पर है, तो आप हाँ विभूति, जानवी बोलो बेटा. सर प्लीज शो द प्रीवियस स्लाइड. ओके, सर ये के वही है ना, वो ओमेगा स्क्वायर बाय एम वाला. यस यस, वेरी गुड, बिल्कुल वही है. के बाय एम इज ओमेगा स्क्वायर, तो के कैन बी रिटन एज इक्वल टू एम इनटू ओमेगा स्क्वायर. तो अगर के की वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं होगी तो आपको एम और ओमेगा तो पता होगा, कुछ ना कुछ दिया होगा, सो डोंट वरी अबाउट इट. चलो मैं अभी विभूति से कुछ पूछ रहा था. विभूति बेटा फिर से बोलो आप. Yes, हाँ, मुझे एक बात बताइए कि अगर पार्टिकल का ये मीन पोजीशन है और पार्टिकल अभी अपने मीन पोजीशन पे नहीं है, कहीं यहाँ पर है, और ये एक्सट्रीम भी नहीं है, तो इसके पास कितने फॉर्म ऑफ एनर्जी होंगी? क्या इसके पास इट विल ओनली हैव काइनेटिक एनर्जी और इट विल ओनली हैव पोटेंशियल एनर्जी और इट विल हैव द सम ऑफ बोथ? द सम ऑफ बोथ. वेरी गुड. Obviously, because it is having velocity as well as it is at some distance from the mean position, so it will be having potential energy as well as kinetic energy. ठीक है, और कोई कुछ पूछ रहा था क्या? हर्षित, you were asking something, I guess. नहीं सर. अच्छा चलो ठीक. तो इसका मतलब है किसी भी के SHM में अगर मैं total energy लिखूं किसी भी time में, total energy in SHM, तो मैं लिख सकता हूँ इट वुड बी द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. और हमने अभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था हाफ इंटू के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और काइनेटिक एनर्जी हमने लिखा है हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. अब हमें एक बात पता है सर, एज मैं लिख देता हूँ, हमें एक बात पता है कि ओमेगा स्क्वायर हम लोगों ने के बाई एम अस्यूम करा था, तो हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं सर कि ओमेगा स्क्वायर के बाई एम है, तो के को आई कैन राइट इट एज एम ओमेगा स्क्वायर. एम आई राइट? यस सर. इस वैल्यू को आप उठा के यहां रख सकते हो, तो इसको अगर आप यहां रखोगे तो देखो हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कैन बी टेकन एज कॉमन, तो आपको बचेगा क्या? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी, दिस विल बी योर टोटल एनर्जी. अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज वन, इसका मतलब ये होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज टोटल एनर्जी. तुम ध्यान से अगर देखो तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी, एम इज द मास ऑफ पार्टिकल विच इज ऑसिलेटिंग, मतलब वो पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है उसका मास है एम, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और मैंने आपसे बोला था कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अ कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन एसएचएम. एम्पलीट्यूड फिक्स होता है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजिशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो भी कॉन्स्टेंट है, तो आपको नहीं लगता कि इन SHM टोटल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट? टेल मी यस ऑर नो. यस सर. ठीक है, इसका मतलब है कि SHM में टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट रहेगी. क्लियर हो गई बात? इसको नोट करिए, तो मैं ग्राफ बताता हूं आपको. हो गया बच्चों? यस सर. ठीक है, इस पे ग्राफ आपको एक आध मार्क का पूछा जा सकता है, इसलिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्राफ. सर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा,
और x के साथ भी ग्राफ ड्रॉ करूंगा और टाइम के साथ भी ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन SHM. SHM में दोनों टाइप ऑफ ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी भी दोनों हम ड्रॉ कर लेते हैं. तो देखो पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, पहले वन बाई वन दोनों पे बात करते हैं. पोटेंशियल एनर्जी एक फॉर्मूला आपने लिखा था हाफ के एक्स स्क्वायर और दूसरा फॉर्मूला आपने इसी का लिखा टाइम के टर्म्स में जब आपने लिखा तो आपने लिखा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी या के स्क्वायर जो भी कह लें. पहले मैं एक्स के साथ बात करता हूँ बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का एक्स के साथ जो रिलेशन है वो कैसा है? इज इट लीनियर और इट इज क्वाड्रेटिक और व्हाट काइंड ऑफ इट्स दिस क्वाड्रेटिक? ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक राइट. अब अगर मान लो कि इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बेटा? जीरो. जीरो. एक्स जीरो का क्या मतलब हुआ? मीन पोजीशन है ना. ठीक है. Yes, अब अगर मान लीजिए कि इफ एक्स इज इक्वल टू ए तो पोटेंशियल एनर्जी का देखो ये एक्स ए का मतलब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यही पॉसिबल हो सकता है भाई ए. तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? हाफ के स्क्वायर. ये भी मैक्सिमम होगा. व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इज इट क्लियर? तो अगर मैं इस पोटेंशियल एनर्जी का एक्स के साथ ग्राफ ड्रॉ करूं, एक्स के साथ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स, ठीक है, यहां पर एक्स जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है? जीरो. फिर पोटेंशियल एनर्जी एक्स इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करते करते एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा. टेल मी यस और नो? यस सर. ठीक है. एंड दिस विल नॉट हैपन ओनली ऑन वन साइड. मीन पोजीशन है अगर तो इधर भी ऐसा होगा और इधर भी ऐसा होगा. इसका मतलब दिस ग्राफ विल हैव टू पार्ट्स, वन ऑन द राइट साइड एंड अनदर वन ऑन द लेफ्ट साइड. एंड बिकॉज दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक द ग्राफ विल बी पैराबोलिक. इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो ग्राफ कैसा होगा? पैराबोलिक. तो अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा. ये इधर पैराबोला, ये इधर पैराबोला, ये मीन पोजीशन, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहां तक आके आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी. इज इट क्लियर? यस. ड्रॉ करते रहो वन बाय वन. मैं सारे जितने पॉसिबल हो सकते एनर्जी ग्राफ वो बता देता हूँ आपको. ये मैंने एक्स के साथ ये वेरिएशन दिखाया है. यहाँ पर एक्स मैक्सिमम है, यहां पर भी एक्स मैक्सिमम है ऑन द निगेटिव साइड. तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर भी मैक्सिमम है और यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है. ये एक्स के साथ वेरिएशन. डन? सर एक बार फिर से रिपीट कर दे. अच्छा, एक्स की वैल्यू जीरो करो तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? जीरो. एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कर दो, है ना, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ए, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मैक्सिमम होगी बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन एक्स. तो व्हेन एक्स इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी विल ऑल्सो बी मैक्सिमम. Yes, sir. Right? तो बेटा और ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ विल बी अ पैराबोला. Why will it be parabola? Because potential energy is quadratically related with x. तो जहां पर x zero है, वहां पर potential energy zero है. अब x increase हुआ. देखो ये mean position पे particle है, potential energy zero है, x यहाँ पे zero है. अब जैसे जैसे वो extreme पे जाएगा तो x increase कर रहा है ना. अब फिर यहां पर पार्टिकल पहुंचने के बाद क्या करता है? पीछे आने लगता है तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से डिक्रीज होते होते फिर से जीरो हो जाएगी. फिर इधर जाता है, इधर मैक्सिमम की तरफ, फिर इधर एक्स इंक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी ऑन द नेगेटिव पार्ट. नहीं आ रहा. फिर उसके बाद यहां यहां जब पहुंच गया तो फिर इसके आगे नहीं जा सकता, वो फिर पीछे आएगा. यस सर. अभी भी समझे या नहीं समझे? यस सर. आ रहा है तो नोट करो. डन सर.
देन आगे बकू आगे बताऊं डन सर ठीक है। अब इसी पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन टाइम के साथ देखो। पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन लिखते हैं टाइम वाला। टाइम में क्या लिखा हुआ था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और क्या था साइन स्क्वायर ओमेगा टी। पोटेंशियल एनर्जी का टाइम के साथ रिलेशन कैसा है, साइन वाला रिलेशन है या नहीं है? यस सर। नहीं समझ में आई बात। तो जैसा साइन का ग्राफ वैसा ही पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। नहीं समझ में आया तो पूछो। जी सर। सक्षम? यस सर। हाँ। जैसा साइन का ग्राफ वैसा ही पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बट विथ अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस होगा? साइन का ग्राफ कैसा बनता है, उसमें पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है, होता है या नहीं होता है? अगर नहीं भी पता तो इतना पता होगा पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है। हाँ ना सर, सिर्फ पॉजिटिव होगा। हाँ, बट इसका स्क्वायर हो गया तो निगेटिव का भी स्क्वायर कर देंगे तो वो किधर चला जाएगा, पॉजिटिव साइड में। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव का खेल। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो साइन का ग्राफ बनेगा बट सिर्फ पॉजिटिव पार्ट में, हुई 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 कुपच कुपच कुपच, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम हो गया ग्राफ। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कंप्लीट। जल्दी जल्दी नोट करते चलो सर। ये दो लूप में गैप नहीं होगा? दो लूप में, दो लूप्स के बीच में गैप नहीं होगा क्योंकि वहां माइनस वाला आ रहा था तो हम उसे छोड़ ले। नहीं, माइनस वाला पॉजिटिव हो गया ना। गैप वहां पे होता है जब उसको मतलब रिजेक्ट करना होता, बट वो रिजेक्ट थोड़ी ना हो रहा है। नेगेटिव का भी स्क्वायर हो गया, वो पॉजिटिव हो गया। और सर ये पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव होने का मतलब होता क्या? पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव इसीलिए तो नहीं हो रहा कि पोटेंशियल एनर्जी कभी नेगेटिव ही नहीं हो सकती सर। लेकिन जब हम वो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं तो जब कोई मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। मॉलिक्यूल की बात अलग है। ओके सर। ये मॉलिक्यूल की बात अलग है, उसमें यस पोटेंशियल एनर्जी वेरीज, ठीक है, वो डिस्टेंस के साथ वेरी करती है, इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन के साथ वेरी करती है, वो मॉलिक्यूल के साथ है, यहाँ पर नहीं बेटा। वो मॉलिक्यूलर बिहेवियर जो होता है ना वो डिफरेंट होता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, एक ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव इस केस में नहीं होता, बट याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होता है। पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको याद हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव आया था, याद आ रहा है? यस सर। और मैंने वहां पर आपको ये बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी जब भी निगेटिव हो जाए तो इसका मतलब होगा कि फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है। कैसा नेचर है? अट्रैक्टिव। और पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव हो तो फोर्स रिपल्सिव नेचर का है, ठीक है। ये yes, मतलब था, बट फॉर वो पेयर ऑफ पार्टिकल्स के लिए होता है। जैसे अगर दो पार्टिकल है उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो, या दो मॉलिक्यूल के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो, या दो चार्ज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो, तब वहां पर ये फैक्टर्स आते हैं। यहाँ पर तो एक सिंगल बॉडी है उसके लिए ये बात नहीं आती, उसका पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव का कोई मतलब नहीं बनता, वो पॉजिटिव ही रहेगी। ओके सर। ओके, मूविंग ऑन। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। चलिए भाई, काइनेटिक एनर्जी दो ग्राफ बनाऊंगा, एक एक्स के टर्म्स में और दूसरा टाइम के टर्म्स में। तो हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो होगा। अब फिर से मुझे बताओ सक्षम, काइनेटिक एनर्जी का रिश्ता रिलेशन एक्स के साथ कैसा है, लीनियर या क्वाड्रेटिक? जल्दी जल्दी बोलते चलो। क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, तो सीधी सी बात है क्वाड्रेटिक हो गया। तो क्वाड्रेटिक हो गया तो ग्राफ पैराबोला। बट एक बात समझे, इस केस में अगर हम एक चीज देखें कि इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। सर देखिए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स जीरो हो गया तो ये डिफरेंस तो मैक्सिमम हो गया ना। यस सर। अब अगर इफ एक्स इज इक्वल टू ए तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो और नॉट, देखो तो यस सर, कहानी उलट चलती है, बिल्कुल ऑपोजिट चलती है। कहानी में उल्टा खेल क्या है, कहानी में उल्टा खेल यह है कि भाई जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो, और जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जीरो। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं काइनेटिक एनर्जी का विद एक्स, तो इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ऐसा होगा। ये एक्स मैक्सिमम, ये एक्स मैक्सिमम,
मैक्सिमम मतलब ए, ये भी ए और इस पे एक्स के साथ ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, जब एक्स जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और जब आप एक्सट्रीम की तरफ जाएंगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और होनी भी चाहिए क्योंकि व्हेन यू गो टुवर्ड्स एक्सट्रीम, तो जब आप एक्सट्रीम की तरफ जाते हो तो आपको याद होगा कि आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है और एक्सट्रीम पे जाके जीरो हो जाती है। यस सर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी भाई, बनेगा वही पैराबोला बट उल्टा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए मांगने वाला तो काइनेटिक एनर्जी के लिए देने वाला, पोटेंशियल एनर्जी के लिए मांगने वाला पैराबोला तो काइनेटिक एनर्जी के लिए देने वाला पैराबोला। नहीं आया? आया सर। नोट कर जल्दी जल्दी एकदम रफ्तार तेज। डन सर। ओके, अब इसी काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर इंटू ओमेगा टी, टाइम के साथ काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ क्या, कॉस का ग्राफ, जो कॉस का ग्राफ बनता है वही काइनेटिक एनर्जी का बनेगा, हाँ कि ना? यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, काइनेटिक एनर्जी का वही ग्राफ बनेगा जो कॉस का बनता है, बट कॉस में भी नेगेटिव आता है तो क्या काइनेटिक एनर्जी में नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। कॉस का अगर आप ग्राफ देखा हो ना कभी आपने जीवन में, तो ऐसा होता है, मतलब उसमें पॉजिटिव साइड भी होता है नेगेटिव साइड भी होता है, और यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर है मतलब नेगेटिव का भी स्क्वायर, तो अगर नेगेटिव का भी स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव ही तो हो जाएगा, तो कॉस का ग्राफ बनेगा ऐसा खुपच खुपच, कभी भी नेगेटिव साइड में नहीं जाएगा, बस इतनी बात याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम। या तो मैं नहीं आया, खत्म, ग्राफ वाला पार्ट खत्म हो गया। ये सर आ गया। सर ये कॉस को ऐसे कह सकते हैं कि साइन वाले उसमें ग्राफ में फेज जोड़ दो 90 का बस। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, वैसे भी देखा जाए तो साइन और कॉस में ये रिश्ता है, 90 का फर्क है। मतलब जिसमें हम टाइम पीरियड वगैरह फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन SHM वेयर KE will be exactly equal to P। आपको मैंने एक बात बता दिया है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी घटती है, तो X की वो वैल्यू बताओ जिस पर दोनों वैल्यू सेम हो जाए। मतलब देखो कोई चीज़ घट रही है और कोई चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ है जो घट रही है और एक चीज़ है जो बढ़ रही है, तो दोनों कभी बराबर भी तो हो सकते हैं किसी पॉइंट पर। तो आपको पूछा गया कि भाई X की वो वैल्यू बताओ जिस पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इक्वल हो जाए, X की वो वैल्यू बताओ जिस पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इक्वल हो जाए, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। तो बिल्कुल सही बात भाई, सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए और एक x पूछा है, तो x के टर्म्स में दोनों को लिख दो, क्या लिखोगे आप, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू एम ओ मेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको अगर सर यहाँ एम ओमेगा स्क्वायर है यहाँ के है तो कैसे सॉल्व करें, तो आपको ये बात याद रहनी चाहिए, एज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, देयर फॉर हम के को एम ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो यहां से आप लिख दीजिए हाफ इंटू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एम ओमेगा स्क्वायर कैंसल्स आउट, तो ये हो जाएगा सर टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ऑफ ए बाई रूट टू, भाई क्वाड्रेटिक है ना, तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव भी और एक निगेटिव भी,
यहाँ पर नेगेटिव का भी अपना एक मतलब है. नेगेटिव का क्या मतलब है यहाँ पर, कि ऐसा एक ही बार थोड़ी होगा, यहाँ पर भी होगा जहां पर x is equal to plus a by 2 है, और इधर भी होगा जहां पर x is equal to minus a by 2. Yes. समझ आई बात? तो this will happen at two points on the positive side as well as negative side. इसीलिए यहाँ पर दोनों आंसर पॉसिबल है, प्लस ए बाय टू, प्लस ए बाय रूट टू भी और माइनस ए बाय रूट टू भी, प्लस ए बाय रूट टू भी और माइनस ए बाय रूट टू भी. ठीक है? Yes, sir. Okay. चलिए सर, अब डायनेमिक्स पे आते हैं. डायनेमिक्स का मतलब कि वी विल नाउ बी कंसिडरिंग द फोर्स एंड वी विल बी फाइंडिंग आउट द टाइम पीरियड ऑफ डिफरेंट सिस्टम. ठीक है, जिसमें से मेन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के साथ हम स्टार्ट करेंगे. तो लिखिए, टॉपिक का नाम डालिए टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम. टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम. टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम. अब देखो, मान लो ये स्प्रिंग, अब टाइम पीरियड का मतलब मैं आपको बता दूं, फिर से याद दिला दूं कि टाइम पीरियड का मतलब होता है, टाइम पीरियड का मतलब होता है वो टाइम जितनी, जिस टाइम के बाद ये ब्लॉक अपने मोशन को रिपीट करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज टाइम पीरियड. या फिर आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल इज बेसिकली कॉल्ड एज टाइम पीरियड. ऐसे भी कह सकते हैं ना, कितने टाइम के बाद एक साइकिल कंप्लीट होगा. एक साइकिल का क्या मतलब होता है, अगर आपने इस ब्लॉक को यहां से SHM स्टार्ट करेगा, ये ब्लॉक तो यहां से ये एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर लौटेगा, फिर यहां जाएगा, फिर लौटेगा, दिस विल बी कंसीडर्ड एज वन साइकिल, राइट. तो इस वन साइकिल को करने में कितना टाइम लगेगा इस ब्लॉक को, वो हमारा टाइम पीरियड कहलाएगा. अग्रीड? यहां तक बात समझ में आई है? अभी yes, ये अभी अपने नेचुरल लेंथ में है, ये ब्लॉक अपने मेन पोजीशन पे. अब सुनो, तरीका समझो, तरीका क्या होता है सोचने का. फोर्स मेथड है ये जो टाइम पीरियड मैं निकाल रहा हूं, इस मेथड का नाम है फोर्स मेथड. वी विल बी फाइंडिंग द टाइम पीरियड बाय द फोर्स मेथड. फोर्स मेथड का तरीका ये कि आप इमेजिन करो कि यू हैव स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, you have slightly displaced the block so that your spring is elongated. आपने block को slightly displace किया है so that there is an elongation of the spring, और किसी भी instant पे let the elongation is x. Did you understand till here? Please tell me. Yes, sir. आप obviously बात है, block को यहाँ से displace करोगे, छोड़ोगे, तभी SHM start होगा. तो आप ऐसा समझो कि आपका कोई भी किसी भी instant पे block is at a distance of x from the mean position. मतलब आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि देर इज इलोंगेशन ऑफ x इन द स्प्रिंग एट एनी टाइम t. किसी भी टाइम t पे इलोंगेशन जो है स्प्रिंग में वो कितनी है, x है. यहां तक क्लियरिटी है? हाँ ना, बोल. Yes, sir. Yes. अब मुझे एक बात बताओ कि जब ये ब्लॉक यहाँ पर है तो क्या उस पे स्प्रिंग का फोर्स लग रहा होगा या नहीं? विल देर बी द फोर्स ऑफ स्प्रिंग और नॉट? Yes, sir. होगा. वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स? तो फोर्स ऑफ द स्प्रिंग विल बी माइनस ऑफ के एक्स, वेर के इज द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट. Yes, स्प्रिंग का फोर्स तो ये लिखते हैं ना, माइनस ऑफ के इनटू एक्स. माइनस साइन क्यों लगाते हैं, ये मैं रीजन आपको बार बार बता चुका हूं, क्योंकि बिकॉज दिस फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, बोलो. यस सर. ऑल्सो हमें एक बात पता है, अच्छा ब्लॉक का मास मान लीजिएगा कि एम है. ऑल्सो हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन भी होता है, ये दूसरी बात हमें पता है. तो हम यहां से लिख सकते हैं मास इंटू एक्सलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स. तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ के बाई एम मल्टीप्लाइड बाई एक्स. तो a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं या नहीं? टेल मी यस और नो. यस सर. जब आपका ये फॉर्म आ जाए एक्सेलरेशन वाला, तो यहां से ये शो हो गया ना कि a इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब SHM हो रहा है. जी भाई, SHM के लिए a शुड बी प्रोपोर्शनल टू x. याद करो, SHM के लिए a शुड बी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. यही तो कंडीशन हमने पढ़ा था SHM में. If you remember. Yes. Yes, sir. ठीक है, तो ये जो ओमेगा है, ये जो ओमेगा, इस ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं? तो ये ओमेगा इज इक्वल टू नथिंग बट के बाई एम. तो इसका मतलब ये हो गया कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम है. यहां के बाद मैं इधर लिख देता हूं, देखो. तो ओमेगा को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट के बाई एम. हर्षित भाई, ओमेगा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी अपॉन 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम. टेल मी यस और नो. यस सर. ओमेगा को टाइम पीरियड के टर्म्स में हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बिल्कुल स्टार्टिंग क्लास में मैंने बताया था SHM के.
तो यहाँ ये टी क्या चीज है, यही टी तो टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड कितना आ गया, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, डिड यू अंडरस्टैंड? जी सर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेथड क्या है, मेथड ये है कि आप इमेजिन करो कि ब्लॉक किसी जनरल डिस्टेंस पे है फ्रॉम द मेन पोजिशन, उस पॉइंट पे ब्लॉक पे फोर्स निकालो, अगर स्प्रिंग लगा रहा है वो फोर्स, तो स्प्रिंग का फोर्स निकालो, अगर कोई और फोर्स लग रहा होगा तो कोई और फोर्स निकलेगा, वो वेरिएशन आएगा, खैर, बट ये समझो कि ब्लॉक अगर यहाँ पर है तो स्प्रिंग उस पर कितना फोर्स लगा रहा है, जो फोर्स स्प्रिंग लगा रहा है वही रिस्पॉन्सिबल होगा उसके एक्सेलरेशन के लिए, ब्लॉक को एक्सेलरेशन वही फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर दो, तो जो एक्स के साथ जो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होती है ना वही ओमेगा स्क्वायर है। अगर आपको एक बार ओमेगा की वैल्यू पता चल गई तो फाइंडिंग द टाइम पीरियड इज नॉट अ बिग डील। यस सर, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। इसी का एक और फॉर्म दिखाता हूं सर, सर मैं कह सकता हूं कि स्प्रिंग लोड सिस्टम एसएचएम में है बिकॉज़ उसकी फोर्स की फॉर्म माइनस केएक्स है, एक्सेलरेशन जानने की जरूरत है सर, एसएचएम इज ब्लॉक, ब्लॉक नॉट द पूरा सिस्टम, एसएचएम इज ऑफ फॉर द ब्लॉक, एसएचएम हु इज इन एसएचएम, द ब्लॉक इज इन एसएचएम, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्प्रिंग बिकॉज़ द स्प्रिंग इज इटसेल्फ मासलेस। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ फोर्स इक्वल्स माइनस के एक्स आ रही है और वो भी तो वही तो नीड होती है, तो हम डायरेक्टली वहां से कह सकते थे ना, ये फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स आती है, तो वहां से अगर हम ये कहते तो यस ये हम कह सकते हैं बिकॉज ये फोर्स डायरेक्टली माइनस ऑफ के एक्स आ रही है इस सिचुएशन में, तो हम कह सकते हैं कि यस दिस इज एस एच एम, ठीक है, बट टाइम पीरियड निकालने के लिए तो यू विल हैव टू प्रोसीड राइट। वैसे यस यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हम यहाँ पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि दिस is the case of SHM because ये जो force लगा रहा है spring वो exactly equal to minus of kx आ रही है। Yes sir। Done sir। Very good। Moving on। ऐसा ही एक बार और कराता हूँ। ये मान लीजिए जैसे vertically लटका रखा है हमने। ये ब्लॉक का मास है, मुझे पहले तो एक बात बताओ कौन बताएगा स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, मुझे एक बात बताओ ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, मैं ये कह रहा हूँ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में यहाँ पर ब्लॉक, ठीक है, या आप ये कह लें कि ये ब्लॉक की मीन पोजीशन है, मान लीजिए मुझे एक बात बताइए कि इन दिस मीन पोजीशन स्प्रिंग विल बी इट्स नेचुरल लेंथ और स्प्रिंग विल ऑलरेडी बी इलॉन्गेटेड, ऑलरेडी बी इलॉन्गेटेड, इलॉन्गेटेड already be elongated, right? But एक बात तो clear है कि because this is mean position, तो यहाँ पर जो forces हैं on the block that has to be zero. तो ये मान लो कि ये हम लिख सकते हैं कि भाई block पे इस position पे mg is equal to kx naught होना चाहिए, where x naught is initial elongation. In spring. समझ में आई बात? x naught क्या चीज है? इनिशियल इलोंगेशन है, किसमें इनिशियल इलोंगेशन है, स्प्रिंग में, समझ में आई बात, हाँ ना बोलो? यस सर। अभी ये इनिशियल पोजीशन मतलब आराम से ये ब्लॉक थोड़ा सा स्प्रिंग को थोड़ा सा इसने इलोंगेट करा और उसके बाद ब्लॉक आराम से पड़ा हुआ है बिकॉज उसपे नेट फोर्स जीरो है। अब अगर आप इमेजिन करो कि यहां से अगर मैं ब्लॉक को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दू और छोड़ दू तो एस एच एम होगा या नहीं होगा, सोच के देखो, ये ऐसे ऐसे करेगा या नहीं करेगा, टिंग 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 टिंग, सोचो, करेगा सर, करेगा ना, बिकॉज आपने यहां इलोंगेट कर दिया तो स्प्रिंग, देखो के एक्स नॉट एमजी को बैलेंस कर रहा है, बट अगर आप और इलोंगेशन बढ़ा देंगे तो एमजी और स्प्रिंग फोर्स का बैलेंस हो पाएगा, मतलब ये हुआ कि जब ये ब्लॉक यहां पर पहुंचा तो इस ब्लॉक पे अब जो फोर्स लग रहा होगा इस पोजिशन पर वो लग रहा होगा के इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir। और नीचे लग रहा है एमजी, क्या हुआ सक्षम भाई, अब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस तो नहीं कर रहे हैं ना? Yes, sir। सोचो, yes, sir, yes, sir। सर, फिर से रिपीट कर दो। इतना सोचने के बाद बोलता है, मैंने बोला कि यहां पर ब्लॉक आराम से पड़ा हुआ है बिकॉज उस पर नेट फोर्स जीरो है। अब अगर ब्लॉक को हम पकड़ के स्लाइटली और डिस्प्लेस कर दें सच दैट स्प्रिंग में और इलोंगेशन आ जाए,
अब ब्लॉक को छोड़ दें तो ब्लॉक अभी भी आराम से पड़ा रहेगा या वो ऑसिलेट करने लग जाएगा? क्योंकि भाई अगर kx नॉट mg को बैलेंस कर रहा था तो अगर स्प्रिंग की लेंथ और बढ़ा दोगे तो स्प्रिंग का फोर्स बढ़ जाएगा ना, तो अब वो फोर्स mg को थोड़ी बैलेंस कर रहा होगा। यस सर। तो अगर ये फोर्स mg को अब बैलेंस नहीं कर रहा है तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ब्लॉक पे एक नेट फोर्स लगेगा, या तो कभी ऊपर की तरफ या कभी नीचे की तरफ। तुम देखो पहले अच्छे से। yes. तुम्हें रेस्पॉन्स नहीं आ रहा भाई। जब ब्लॉक की हमने पोजीशन चेंज कर दिया, एक्स क्या चीज है? एक्स इज फर्दर इलोंगेशन इन स्प्रिंग, ठीक है? कहां के बाद? फ्रॉम मीन पोजीशन। तो अब ब्लॉक पे फोर्स देखो, ये ब्लॉक है, इस पे ऊपर लग रहा है के इनटू एक्स प्लस ऑफ एक्स नॉट, नीचे लग रहा है एमजी। पहले ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे जब ये सिर्फ फोर्स के एक्स नॉट था, बट इस फोर्स में आप इंक्रीमेंट हो गया तो अब ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहे होंगे। तो नेट फोर्स आप ऐसे लिख सकते हो एमजी माइनस ऑफ के इनटू एक्स प्लस ऑफ एक्स नॉट। देखो अगर आपको समझ में आया हो। यस सर। ठीक है, और नेट फोर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास इनटू एक्सेलरेशन, ये एक इक्वेशन हो गई। ऑल्सो हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ से हम एक पॉइंट और कह सकते हैं कि भाई हमें पता है ऑल्सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ये दूसरा पॉइंट। इन दोनों को हमने इक्वेट करना है। पहले आप यहाँ तक नोट करिए और देखिए, अभी भी अगर कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज पूछिए। सर इसमें कोई डाउट हो प्लीज पूछिए। वेट सर। ठीक है, डन सर। अब देखिए, ये फोर्स ऊपर, ये फोर्स नीचे, तो फाइनली होगा क्या? MA is equal to MG minus of KX minus of KX naught. अब याद करो कि as देखो ऊपर KX naught MG के बराबर था, तो therefore इन दोनों को cancel कर देंगे हम, तो A is equal to फिर से minus of K by M multiplied by X आया या नहीं आया? Yes, sir. इसका मतलब है omega square को मैं कह सकता हूँ कि K by M है, तो omega को मैं कह सकता हूँ under root K by M है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि टाइम पीरियड इज अगर एन इक्वल टू 2√m/k, वही जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन का आया था। मगर ऐसे मत रट लीजिएगा कि भाई हमेशा ऐसा ही होगा, नहीं। हाँ, ये रट सकते हो कि इफ देयर इज ओनली वन स्प्रिंग एंड वन ब्लॉक, अगर एक ही स्प्रिंग और एक ही ब्लॉक है तो उस केस में टाइम पीरियड विल ऑलवेज बी 2√m/k, चाहे आप स्प्रिंग को जैसे भी रख दें। नहीं समझ आई बात? अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसे भी रखा होता ना, मान लो कि ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ये स्प्रिंग ऐसे है, ठीक है, यहां पर भी एक ही स्प्रिंग और एक ही ब्लॉक है, इस केस में भी ब्लॉक को अगर मैं
आगे मूव करा के छोड़ दो तब भी टाइम पीरियड यही आता 2.2 m/s के, मतलब एज लॉन्ग एज यू आर हैविंग वन ब्लॉक एंड वन स्प्रिंग टाइम पीरियड विल ऑलवेज बी इक्वल टू 2.2 m/s के। यस सर, ठीक है, तो ये तो हो गया सर व्हेन वी हैड वन स्प्रिंग। और याद रखे आपके सिलेबस में एक ही ब्लॉक रहेगा, स्प्रिंग भले कितना भी कर ले। अब आते हैं दूसरे एक और छोटे से पॉइंट पे, उसके बाद फिर एक दो और क्वेश्चन, फिर कुछ और क्वेश्चन। देखो इसी तरह से एक और छोटी सी बात आप लोग समझ लें, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, पहले इस छोटी सी बात को आप समझ लें, फिर उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, आप लोगों को याद होगा क्लास टेंथ में आपने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, डू यू रिमेम्बर? यस सर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो इसी तरह से स्प्रिंग में भी दो कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है कि एंड टू एंड कनेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। देखिए जैसे आप ये मान लीजिए कि सर ये एक स्प्रिंग, फिर ये दूसरी स्प्रिंग, इस तरह से देयर आर एन नंबर ऑफ स्प्रिंग्स कनेक्टेड एंड देयर इज अ ब्लॉक एट द एंड, मान लो ये नहीं भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, ब्लॉक हटा दो। इस तरह से स्प्रिंग्स कनेक्टेड है, ये के वन स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, ये के टू है, ये के थ्री है। अगर इफ आई वॉन्ट टू रिप्लेस द होल कॉम्बिनेशन बाई सिंगल स्प्रिंग, तो उसका के इक्विवेलेंट कुछ होना चाहिए। yes. भाई तीनों स्प्रिंग का के अलग अलग है, तो तीनों को अगर मैं एक से रिप्लेस करना चाहता हूँ तो एक की स्प्रिंग की के की वैल्यू इतनी होनी चाहिए सच दैट कि मैं इससे तीनों को रिप्लेस कर सकूँ। तो याद रखिएगा अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा 1/k इक्विवेलेंट फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली याद रखना है आपको, 1/k1 + 1/k2। ये उल्टा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर जो होता है ये उसका उल्टा होता है। यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में ये होगा सर 1/k equivalent = 1/k1 + 1/k2 + 1/k3 एंड सो ऑन। ठीक है, सीरीज में ये फॉर्मूला होगा। ठीक, नोट कर लिया? यस सर। दूसरा, अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाए बच्चे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के दो फॉर्म हो सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक फॉर्म ये हो सकता है कि भाई दोनों स्प्रिंग इस तरह से कनेक्टेड हो किसी एक ब्लॉक के साथ, या ऐसा भी हो सकता है कि दो स्प्रिंग हो और दो एंड के पे कनेक्टेड हो ब्लॉक के साथ। दूसरा केस ये हो सकता है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब तुम ये कह सकते हो कि सर हमें कैसे पता चलेगा? देखो अगर दोनों स्प्रिंग का इलोंगेशन या कंप्रेशन सेम है तो वो पैरेलल है। जैसे ये ब्लॉक, अगर मान लो, इसीलिए मैंने ब्लॉक यहां पे बनाया है जानबूझ के, कि अगर मैं इस ब्लॉक को मूव कराऊं, इफ बोथ द स्प्रिंग हैज टू बी कनेक्टेड टू द ब्लॉक, तो मुझे एक बात बताओ दोनों स्प्रिंग का इलोंगेशन सेम होगा या नहीं होगा? अगर इस ब्लॉक को मैं इधर मूव कराऊं तो दोनों स्प्रिंग का कंप्रेशन सेम होगा। अब यहां आते हैं, अब इस वाले केस में आते हैं। इस केस में अगर आप देखें, इस केस में आप किसी भी एक डायरेक्शन में ब्लॉक को मूव कराइए, मान लीजिए इधर करा रहे, तो राइट वाली स्प्रिंग कंप्रेस होगी और लेफ्ट वाली स्प्रिंग इलोंगेट होगी। yes, जितना राइट वाली स्प्रिंग कंप्रेस होगी उतना ही लेफ्ट वाली को इलोंगेट होना होगा, तभी ये दोनों स्प्रिंग आपस में इस ब्लॉक के साथ कनेक्टेड रह सकती है। मान लो राइट वाला ज्यादा कंप्रेस हो गया और लेफ्ट वाला कम इलोंगेट हुआ, तो इस लेफ्ट वाले स्प्रिंग का ब्लॉक के साथ कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा या नहीं? यस सर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बात याद रखिएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में द इलोंगेशन और कंप्रेशन, या आप ऐसे कह लें कि एक का इलोंगेशन और दूसरे का कंप्रेशन हमेशा इक्वल होता है। या तो स्प्रिंग्स का इलोंगेशन और कंप्रेशन इक्वल होगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एक स्प्रिंग का इलोंगेशन और दूसरे स्प्रिंग का कंप्रेशन इक्वल होगा। तो दो में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसीलिए ये दोनों पैरेलल है। मान लीजिए ये के वन है, ये के टू है, तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? के वन प्लस ऑफ के टू एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस विल बी द पैरेलल कॉम्बिनेशन, मींस इफ यू वांट टू रिप्लेस दिस होल कॉम्बिनेशन बाय सिंगल स्प्रिंग, तो दिस विल बी द रिप्लेसमेंट, कि के इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू के वन प्लस ऑफ के टू प्लस के थ्री एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सर ऐसे सीरीज के लिए भी कुछ है क्या? सीरीज में याद रख सकते हो कि स्प्रिंग के इलोंगेशन और कंप्रेशन इंडिविजुअल स्प्रिंग के अलग होते हैं, बट फोर्स डेवलप्ड इन ईच स्प्रिंग वो सेम होता है। मतलब जो स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा ना हर स्प्रिंग में,
वो सेम होगा, इलोंगेशन और कंप्रेशन स्प्रिंग्स के अलग अलग होंगे। पैरेलल में इलोंगेशन और कंप्रेशन सेम होगा बट फोर्स डेवलप्ड इन द स्प्रिंग्स विल नॉट बी सेम। मतलब k1 x1 equals k2 x2 equals kn xn ऐसे ना। डन सर। अब देखिए अगर मान लीजिए कि मैं आपसे ये कहूँ, सिंपल क्वेश्चन, पहले मैं आपसे ये कहूँ कि साहब ये एक स्प्रिंग, ये ब्लॉक है जिसका मास m है, और मैं आपसे कहूँ कि इसके साथ मैंने दो स्प्रिंग अटैच कर दिया इस तरह से k और 2k, और आपसे ये पूछ लिया कि व्हाट इज द टाइम पीरियड। तो मैंने आपको एक बात बोला कि एज लॉन्ग एज यू आर हैविंग वन ब्लॉक एंड स्प्रिंग सिस्टम, तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होगा वो 2π√m/k, मतलब वो जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था बस उसमें एक काम करना है आपको, m तो एक ही ब्लॉक है तो m ही रहेगा, k की जगह आप यहाँ पर k इक्विवेलेंट लिख लिया करिएगा। मतलब इफ यू हैव मोर देन वन स्प्रिंग कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल, तो k की जगह आप क्या लिख लेंगे, k इक्विवेलेंट, क्या लिख लेंगे, k इक्विवेलेंट। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर एक रेजिस्टर गिवन होता था, क्लास 10 थोड़ा सा याद करो, एक रेजिस्टर होता था तो इसमें हम करंट लिखते थे V/R, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अगर यहीं पर एक से ज्यादा रेजिस्टर हो तो आप करंट क्या लिखते थे, V/R या V/R इक्विवेलेंट, क्या लिखते थे, R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट। बस यही काम हम यहां पर भी करेंगे कि इफ यू हैव मोर देन वन स्प्रिंग कनेक्टेड आइदर इन सीरीज और इन पैरेलल, तो K विल बी रिप्लेस्ड बाय K इक्विवेलेंट। K को किससे रिप्लेस कर दीजिए, K इक्विवेलेंट से K को रिप्लेस कर दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे सर, यहां पर K इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, बिकॉज दिस इज इन पैरेलल, तो K इक्विवेलेंट वुड बी 3K और नॉट, तो टाइम पीरियड विल बी रिटन एज 2π√m/3k, ये आपका आंसर है। क्लियर? यस सर। नोट करो खटाखट। डन सर। चलो एक क्वेश्चन करो। के टू के मास ऑफ द ब्लॉक इज एम, टाइम पीरियड बताइए। सर आंसर भेज, आंसर भेज दिया आपने, 2π√m k
टू प्लस वन बाई के। चलो देखते हैं, पहली बात तो ये दोनों अगर हम देखें तो ये दोनों पैरेलल में, तो इसका के इक्विवेलेंट तो हम ऐसे लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ के। ठीक है, एक मिनट रुकना यार, एक कॉल आ रही है, एक मिनट सर, बस एक मिनट। हाँ जी, ये देखिए पहली बात तो ये के और के वॉज इन पैरेलल, तो ये टू के हो जाएगा, और ये टू के और ये टू के कैसे हैं, ये तो टू के और टू के दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ऐसे लिख लोगे। ठीक है, तो इसका अगर आप के इक्विवेलेंट निकालोगे इट इज वन अपॉन के इक्विवेलेंट, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये टू बाई के आएगा, तो के इक्विवेलेंट विल बी के बाई टू। अग्रीड? इसका मतलब इस पूरे को आप ध्यान से देखिए, इस पूरे को आप एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं, इस पूरे को भी आप एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं, ये 2k होगा और ये वाला k by 2 होगा। Tell me yes or no? Yes. Now how these two springs are connected now? ये जो दोनों हैं ये further कैसे connected हैं? सर वो k नहीं होगा। कहाँ पर बेटा? हाँ सॉरी ये k होगा। सर वो सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये how these two springs are connected now? Parallel. Parallel. तो क्या लिख सकते हैं 3k? Yes, sir. ठीक है, तो टाइम पीरियड बराबर कितना हो गया 2 पाई अंडर रूट m डिवाइड बाय 3 के। एक और जल्दी से करो सर। जी सर, इसमें ऐसा नहीं होगा कि 2 के माइनस के? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है तुम्हें, कोई k माइनस के नहीं करना है, जो था है वही करना है। व्हाई विल यू सबट्रैक्ट सक्शन, व्हाट इज योर लॉजिक बिहाइंड दैट? अगर मान लो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम ऐसा मान लें, तो क्या लॉजिक है तुम्हारी के व्हाई यू वांट टू सबट्रैक्ट के? के कभी थोड़ी सबट्रैक्ट होता है, यू कैन सबट्रैक्ट फोर्स बट यू कैन नॉट सबट्रैक्ट के, राइट? यस सर। और फोर्स के लिए आपको फिर ये पता होना चाहिए कि ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, सो दैट के राइट वाले का कंप्रेशन कितना हुआ, लेफ्ट वाले का इलोंगेशन कितना हुआ, वो पता होगा, देन ओनली आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ तो कुछ भी हमें ऐसा पता नहीं है, तो हाउ कैन यू सब्ट्रैक्ट द टू वैल्यूज ऑफ के ऑन आइदर सेट? ठीक है, यस सर। ओके मूविंग ऑन, ये नोट कर लिया होगा, एक और जल्दी से करो फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर। ठीक है, एक और जल्दी से ऐसा कर दो, तो सारे बताएंगे, विभूति और जानवी आप लोग भी इसका आंसर देंगे जल्दी। ये ब्लॉक, यहाँ पर एक स्प्रिंग, यहाँ पर एक स्प्रिंग, यहाँ पर एक स्प्रिंग, और इधर भी एक और स्प्रिंग लगा देता हूँ, फिर इसका आंसर मुझे जल्दी बताएंगे आप। 2k, k, k, मास ऑफ द ब्लॉक इज m, आपको बताना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। हरि अब, इट्स वेरी इजी। ओके हर्षित, टू पाई अंडर रूट एम बाई सिक्स के,
ये सपोर्ट्स, एक बात तो हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो दिस k इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 2k और इधर का जो k इक्विवेलेंट है दैट विल बी इक्वल टू 4k। इसके बाद इन दोनों को आप रिप्लेस करोगे 2k और 4k वाली स्प्रिंग से, तो दिस इज 2k, दिस इज 4k एंड द ब्लॉक हैज अ सॉरी दिस इज 4k द ब्लॉक हैज अ मास ऑफ m, तो यहां से 2 और 4 तो ये दोनों पैरेलल में, तो k इक्विवेलेंट डैश कह लो तो दिस इज इक्वल टू 6k, तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ गई 2 बाय अंडर रूट m डिवाइडेड बाय 6k, दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। ठीक, यस सर, यस, मूविंग ऑन पॉइंट नंबर नेक्स्ट, सिंपल पेंडुलम, देखिए सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का बेसिक मतलब होता है कि किसी भी पार्टिकल को इफ यू कनेक्ट इट विद अ स्ट्रिंग, यू टाई इट टू अ स्ट्रिंग, तो दैट विल फॉर्म अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, इफ इट इज फ्री टू ऑसिलेट, मतलब कोई सा भी पार्टिकल ले लीजिए आप एंड जस्ट टाई दैट पार्टिकल विद अ स्ट्रिंग, एंड इफ द स्ट्रिंग इज फ्री टू ऑसिलेट अबाउट सम फिक्स्ड पॉइंट और सम मीन पोजिशन, तो उस केस में आप उसको सिंपल पेंडुलम कहेंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ सर कि कोई भी पार्टिकल, अच्छा सिंपल पेंडुलम क्यों बोला जाता है, सिंपली पेंडुलम क्यों नहीं कह देते सर? तो सिंपल पेंडुलम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें और भी दो और टाइप के पेंडुलम होते हैं, को हम कहते हैं, अच्छा तीन और होते हैं एक्चुअली, मैं को कहते हैं कोनिकल पेंडुलम, बट उसमें SHM नहीं होता तो उसकी बात यहां तो होती ही नहीं है। एक होता है सिंपल पेंडुलम जिसमें मैंने कहा कि सिंपली एक पार्टिकल को इफ यू टाई इट विद अ स्ट्रिंग एंड इफ इट इज फ्री टू ऑसिलेट अबाउट अ मीन पोजीशन, तो दैट विल फॉर्म अ सिंपल पेंडुलम। दूसरा होता है फिजिकल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम का मतलब कोई भी एक रिजिड बॉडी इफ इट इज फ्री टू ऑसिलेट तो इट फॉर्म्स अ फिजिकल पेंडुलम, क्लियर है? और इसी तरह से एक होता है टॉर्शनल पेंडुलम, टॉर्शनल पेंडुलम का मतलब होता है कि कोई एक वायर से आप किसी एक डिस्क को बांध दीजिए और वो ऐसे ऐसे रोटेट कर सके, मतलब ये वायर है इसके साथ आप किसी डिस्क को बांध दीजिए, ठीक है, और वो डिस्क जो नीचे लगी हुई है वो ऐसे ऐसे रोटेट करे, ऐसे 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 ऐसे, दैट इज टॉर्शनल पेंडुलम। खैर, तो ये सिंपल पेंडुलम के केस को हम समझते हैं। मान लीजिए ये सिंपल पेंडुलम है, ये एक स्ट्रिंग है, ये पार्टिकल है और ये एंगल है थीटा, और याद रखिएगा थीटा इज वेरी स्मॉल। हर्षित भाई, जो भी डेरिवेशन हो रहा है या सिंपल पेंडुलम का SHM तभी हम शो कर सकते हैं जब थीटा बहुत छोटा होगा, तो थीटा इज वेरी स्मॉल, इसका मतलब ऑल दिस थिंग विच वी आर डूइंग हियर इज फॉर अ स्मॉल एंगल, इट शुड बी वेरी स्मॉल। ठीक है, yes, sir. जैसे आपके जो सिंपल पेंडुलम होते हैं क्लॉक्स में, उसमें भी अगर आप ऑसिलेशन देखेंगे ना आपके पेंडुलम का, तो ऐसे 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 बहुत छोटे एंगल पे ऑसिलेशन होता है, एंगल बहुत स्मॉल एंगल फॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, अगर एंगल बड़ा हो जाएगा तो फिर ये SHM की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमें उससे मतलब नहीं है अभी फिलहाल। चलो देखो, मान लीजिए कि ये मीन पोजिशन है, मान क्या लीजिए यही मीन पोजिशन होता है, पेंडुलम आपने यहाँ पहुंचा दिया है सर, छोटा मतलब डी थीटा के टर्म्स में या फिर ऐसे एक डिग्री दो डिग्री, एक डिग्री दो डिग्री, सच दैट कि आप साइन थीटा को थीटा के बराबर मान सकें। यहाँ पर mg, ठीक है, पेंडुलम को हमने उधर हल्का सा खिसका दिया है, मान लो कि दिस लेंथ इज x, तो mg को अगर आप रिजोल्व करेंगे तो mg का एक कंपोनेंट ऐसे आएगा और एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा होगा और ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा होगा। आप चारों में से कौन मुझे बताएगा, चारों में से तो दो ही बोलते हैं बाकी तो दो खामोश रहते हैं, बट फिर भी अगर बोलना चाहे तो कौन मुझे बताएगा कि विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द पार्टिकल टू इट्स मीन पोजिशन अगेन, कौन सा फोर्स पार्टिकल को मीन पोजिशन पे लाने के लिए, रिस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, बट हु इज रीस्टोरिंग फोर्स हियर, हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स इन दिस केस, mg sin थीटा, सेंट्रीपेटल नहीं रहे, हां सेंट्रीपेटल सेंटर की तरफ लगता है, तुम सर्कल मानोगे तो सेंटर इधर है, mg sin थीटा, देखो ना वापस कौन लाना चाह रहा है, देखो देखो जो इस मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है फोर्स, देखो कौन सा है बेटे, mg sin, यस सर, तो रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू है यहां पर mg sin थीटा। ठीक है, मैं लिख देता हूं एज थीटा इज स्मॉल, याद रखिएगा जब भी थीटा स्मॉल बोल दिया जाए
साइन थीटा को अपन थीटा मान सकते हैं. यस ठीक है. तो रीस्टोरिंग फोर्स को हम लिख सकते हैं mg into थीटा. और एक बात बताओ तो थीटा जो मैं लिख रहा हूं वो तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं? देखो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस. ये देखो तो ये तुम्हें समझ में आया ये इक्वेशन वन जो मैंने लिखा है. ये कैसे लिख दिया भाई थीटा को x / l कैसे लिखा? सर वो होता है ना थीटा इक्वल्स आर्क बाय रेडियस. भाई सिंपल सी बात है ये आर्क बन रहा है इस आर्क की लंबाई x ये l है ये थीटा है तो लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस लिख सकता हूं ना. यस सर. यस सर. ठीक. आल्सो हमें मालूम है आल्सो या एज force is equal to ma, therefore मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ma is equal to mg multiplied by x by l. यार तुम्हें नहीं आया सर. सर आपने बोला sin theta equals theta, तो अगर suppose हम sin 1 degree लेंगे तो वो 1 आ जाएगा. हाँ सर लेकिन 2 degree लेंगे तो 2 आ जाएगा ये कहना चाह रहे हैं? Yes sir, पर sin 90 होता है ना 1 तो डिग्री में नहीं सोचते हैं इसीलिए रेडियन में सोचते हैं. रेडियन में. अच्छा ये थीटा रेडियंस में. ओके ओके ठीक है. चलो तो m is equal to m name को मार दिया तो a की वैल्यू g by l multiplied by x लिख सकते हो. yes. अब इस इक्वेशन को देख के मुझे बता दो कि यहाँ पर ओमेगा कौन है? Who is omega square? g by l. वेरी गुड वेरी गुड हर्षित. ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट g by l ना. x वेरिएबल के साथ x क्या चीज है? ये डिस्प्लेसमेंट है किसी भी पॉइंट पे. उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म होता है ना वही ओमेगा है. तो टाइम पीरियड देखो तो 2 पाई रूट l / g आ रहा है क्या सिंपल पेंडुलम का? यस सर. यस यही बचपन से पढ़ते आए हो तो. नोट करिए कहां नहीं समझ आया पूछिए. सर w equals to under root g by l बता दीजिए कमल कहाँ से है? फिर से बता देता हूँ. देखिए ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली. अभी आप इससे पहले जब कर रहे थे तो आपने देखा होगा ना कि k by m को हम लोग ओमेगा स्क्वायर कह रहे थे. ये देखो याद करो कि a is equal to k by m multiplied by x स्प्रिंग का केस तो उसमें हम k by m को ओमेगा स्क्वायर कहते थे ना. यस. यहाँ पर ये k by m की जगह क्या है? g by l. इस पूरे इक्वेशन में देखो a इज इक्वल टू के बाद देखो g बाई l ये कांस्टेंट क्वांटिटी है या नहीं है? यस सर. तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है उसी को हम ओमेगा स्क्वायर मानते हैं. ओके सर. यस सर. तो इसलिए इसको g बाई l को हमने ओमेगा मान लिया मतलब अंडर रूट g बाई l को तो टाइम पीरियड आ गया. यस सर. डन. ठीक है तो आज इतना ही सर. फिर इसको कल निपटाते हैं. ओके सर. बाय एवरीवन. थैंक यू सर. थैंक यू सर. वेलकम.